सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू केतन ब्लॉग्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज हम आपको दिखाने वाले हैं होंडा अमेज वी वेरिएंट का ओनरशिप रिव्यू। सो गाड़ी के बारे में जो भी एक्सपीरियंस है ओनर का, वो आप लोगों को दिखाया जाएगा सारा कुछ। ऑल क्वेश्चंस वगैरह क्लियर करे जाएंगे। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर ऑल लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज। सो गाइज, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब टू केतन व्लॉग्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो। सो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ओनरशिप रिव्यू रहने वाला है। सो आज मेरे साथ होंडा अमेज वी वेरिएंट के ओनर हैं। सो भैया, एक बार अपना नाम बता दो एंड हेलो बोल दो। हेलो गाइज, मैं मोहित मोंगा फ्रॉम फतेहाबाद। सो भैया, आपने ये गाड़ी कब ली? मैंने ये गाड़ी ली 21 सितंबर 2020 में। सो भैया, आपने होंडा अमेज को खरीदने से पहले और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी होगी, तो आपने कौन कौन सी कार्स देखी थी? मैं इसका मुकाबला वैसे तो डिज़ायर से कर रहा था, पर मेरे को यही ज़्यादा अच्छी लगी, इसका इंटीरियर और होंडा का अपना एक ब्रांड है। सो भैया, आपको अब तक ये क्या एवरेज वगैरह दे रही है? इसकी जो हाईवे पे एवरेज है वो तो है 19 के करीब, और जो इसकी लोकल है वो है 16 की एवरेज। आपने अब तक ये गाड़ी कितनी चला ली है? मैंने ये गाड़ी चला ली अभी तक 6100। अब तक मतलब आपको कैसे लगे इसकी सस्पेंशन क्वालिटी, ओवरऑल ब्रेकिंग एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ? ब्रेकिंग मतलब बहुत अच्छा है, मतलब एज कंपैरिजन टू मारुति सुजुकी एंड अदर, मतलब जो इस वेरिएंट में आती हैं, मतलब ब्रेक तो इसके सबसे अच्छे हैं। और मतलब जो इसका बॉडी का बाहर से है, एक्सटीरियर है, मतलब वो भी मतलब मारुति सुजुकी से काफ़ी अच्छा है। मतलब जो मारुति की बलेनो देख लो आप, वो मतलब कि एक्सीडेंट होता है तो मतलब तो काफ़ी हल्का क्वालिटी तो होंडा की है ही। और बाकी आपने अब तक इसको मैक्स कितना टच किया है स्पीड में देखिए तो? मैं अभी ज़्यादा मैक्स टच मैंने तो 130 के करीब ही किया, ज़्यादा तो नहीं चलाई मैंने तेज। बाकी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको, जो इंजन की पावर वगैरह, टॉर्क वगैरह? इंजन की पावर टॉर्क सब कुछ ठीक है, थोड़ा कहीं पे जो इसकी क्या लैग मारती है कहीं पे, मतलब नहीं लैग नहीं मारती है, जो चढ़ाई वगैरह हाँ, मतलब चढ़ाई पे जैसे कि पिकअप में थोड़ी सी कमी है कहीं ना कहीं, पिकअप है जो। अच्छा, और आपने मतलब इसके अंदर जैसे कि कहीं लॉन्ग ड्राइव किया है? हाँ, मैं यहाँ फतेहाबाद से दिल्ली अप डाउन करता रहता हूँ ना, तो आपको मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत वगैरह आई हो? नहीं, कोई इसका बैड फैक्टर लगा हो आपको गाड़ी का? नहीं नहीं, कोई बैड फैक्टर नहीं है, बहुत अच्छी। तो भैया, जो इसके लास्ट 2-3 फैक्टर्स रह गए हैं, सबसे मेन तो रह गया प्राइस, आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी? ऑन रोड ये मेरे को पड़ी 8,35,000 की, सारा कुछ डिस्काउंट वगैरह करके। हाँ जी, डिस्काउंट करके। और इसकी जो साउंड क्वालिटी वगैरह है उसका आपको कैसा रिस्पॉन्स लगा? साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब कोई कमी नहीं है इसकी। गाइस, साउंड क्वालिटी वगैरह की ऑल डिटेल्ड वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगी, आई बटन में लिंक आ जाएगा उस चीज़ का। एंड बाकी आपको ओवरऑल ड्राइव वगैरह जो इसकी क्वालिटी है उसके अंदर कोई कमी लगी? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं ड्राइव। अब तक आपने गाड़ी स्टॉक ही रखी है, कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह करवाई है? नहीं, मैंने मॉडिफिकेशन तो नहीं, बस मैंने ये लगवाया था आर्मरेस्ट। ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया या कंपनी से? नहीं, मैंने बाहर से लगवाया मार्केट। सो गाइस, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा क्या कुछ मतलब भैया का एक्सपीरियंस रहा है। ओनरशिप रिव्यू था ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, होंडा अमेज वी वेरिएंट का, एंड गाड़ी रहने वाली है पेट्रोल वर्जन में। एवरेज आपको भैया ने बता ही दिया, 19 की एवरेज मिलेगी आपको हाईवे पे, विच इज़ वेरी गुड इन पेट्रोल। सो गाइज, आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा आई होप। सो गाइज, यही था आज का हमारा शॉर्ट एंड डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू। आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइज, मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड भैया कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मतलब गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी है, जिसने मतलब खरीदनी है कोई चक्कर नहीं है, फुली रिकमेंडेड। हाँ जी, फुली रिकमेंडेड। सो गाइज, मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। Tell me that you love me, even if it's fake.